तो दो रिक्वेस्ट किया है इनसे कि और लोग मरे हैं, आप इसकी पूरी तहकीकात कर लीजिए। मेरी नॉलेज में है कि कुछ और लोग कैजुअलिटी हैं। कोई भी घटना में, अपने विभाग की किसी भी घटना में सबसे पहले जाने वाले और अविलंब कार्रवाई करने वाले मंत्री हैं, जो मैं समझता हूँ। 4 लाख रुपया तो हमारे तरफ से भी 25,000 रुपया आज सभी को मिलेगा, लेकिन हम तो ऊँट के मुंह में जीवे का फौरन, हमारा तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन हम ज़रूर आग्रह करेंगे कि मुआवजा बढ़नी चाहिए, कम से कम 10 लाख रुपया मुआवजा होनी चाहिए। पप्पू यादव भले ही किसी सदन के सदस्य नहीं हो, उनके पास कोई भी ऐसा संवैधानिक पद नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद एक जनप्रतिनिधि के रूप में अक्सर वो चर्चा में रहते हैं और किसी पदधारक से ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। आज भी पप्पू यादव जबरदस्त चर्चा में हैं और चर्चा का कारण है कि पप्पू यादव ने पहले ही घोषणा कर दिया है कि वो जैसे ही खरमास खत्म होता है उसके बाद से कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, और इस फैसले के लेने की जो बात उन्होंने कही है उसके बाद से उनकी लगातार कई दल के नेताओं से मुलाकात हो रही है। आज सुबह भी उन्होंने जा करके भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन से मुलाकात की है। अब शाहनवाज हुसैन से सुबह सवेरे उनकी मुलाकात को लेकर के जबरदस्त चर्चाएं हो रही हैं और बिहार की राजनीतिक गलियारे में पप्पू यादव का इस मुलाकात शाहनवाज हुसैन से खूब चर्चा में है। क्या कुछ मामला था और इसके मुलाकात के क्या मायने थे, किस कारण से दोनों की मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, आप खुद सुनिए और देख लीजिए। जो घटना इतनी बड़ी घटी है उसमें हमने पूरा प्रॉपर जो लगातार पहले से भी ब्लॉगर के बारे में उनको कहा जा रहा था कि इतने पुराने हो गए और लगातार लोग उनको आगाह किया जा कर रहा था कि आप इसको बदलिए, और वो हमेशा नेगलिजेंसी बरतते चले गए। दूसरी बात कि लेबर कितने गए, वो रजिस्टर्ड कहाँ है, 600 लेबर गए भीतर में कि कितने लेबर गए, तो वो रजिस्टर्ड गायब है, अभी तक वो रजिस्टर्ड नहीं मिला। तो अब मंत्री जी ही बता सकते हैं कि जांच खुद इन्होंने एक ऐसा मंत्री हैं बिहार सरकार में, जो मुझको लगता है कि कोई भी घटना में, अपने विभाग की किसी भी घटना में सबसे पहले जाने वाले और अविलंब कार्रवाई करने वाले मंत्री हैं, जो मैं समझता हूँ। तो मुझको लगता है कि अभी मैं जा रहा हूँ, आज मिलना था, मैंने पहले ही कहा कि मैं मुजफ्फरपुर जा रहा हूँ और उसमें सारी रिपोर्ट आकर के मैं इनको दूंगा दिल्ली में। 30 तारीख को ये दिल्ली चले जाएंगे। मेरा एक रिक्वेस्ट था कि SIT जांच, पहले ही मैंने फ़ोन पर बातचीत की थी तो खुद ही ये बताएंगे आपको कि इनके आदेश पर कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, वो भागे हुए हैं। और मैंने कहा है कि ऐसा नहीं कि राजनीतिक संरक्षण उन्हें प्राप्त हो जाए, तो दो रिक्वेस्ट किया है इनसे कि और लोग मरे हैं, आप इसकी पूरी तहकीकात कर लीजिए। मेरी नॉलेज में है कि कुछ और लोग कैजुअलिटी हैं, तो मंत्री जी ही बताएंगे, क्योंकि वो जो रजिस्टर्ड है जिससे लेबर भीतर जाता है वो रजिस्टर्ड नहीं मिलता है। दो PM ने दिया है 4 लाख रुपया तो हमारे तरफ से भी 25,000 रुपया आज सभी को मिलेगा, लेकिन हम तो ऊँट के मुँह में जीवे का फौरन, हमारा तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन हम ज़रूर आग्रह करेंगे कि मुआवजा बढ़नी चाहिए, कम से कम 10 लाख रुपया मुआवजा होनी चाहिए। लेकिन जो मंत्री ही करा सकते हैं और आपके काबिल मंत्री हैं, ये जो चाहेंगे वो कुछ भी हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो ज्वाइन बटन दबा दी। PayTM नंबर नोट कर ली, 9386816।